यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवाज 5KD पर मीडिया को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यहां तक कि किसी भी कैमरा पर्सन या मीडिया से जुड़े व्यक्ति को 5KD के आसपास भी जाने की इजाजत नहीं है। कैमरा या मीडिया वालों को देखते ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी तुरंत ही सीएम आवास के पास से दूर जाने का निर्देश देते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में कई कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया एक्सपर्ट्स की माने तो सीएम योगी मोदी की राह पर चल रहे हैं और मीडिया के माध्यम से कोई गलत संदेश भी ना जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बैन हर जगह नहीं लगाया गया है। वहीं कुछ मीडिया कर्मियों का कहना है कि सीएम तानाशाही दिखा रहे हैं। क्या उन्हें कोई पोल खुलने का डर सताने लगा है? ज्यादातर मीडिया कर्मियों का मानना है कि योगी मीडिया से दूरी बनाना चाहें तो ठीक है, लेकिन सीएम आवास पर आने वाले फरियादियों से बात करने मीडिया जरूर पहुंचेगा। गौरतलब है कि कुछ समय पहले एक रिपोर्टर और एक महिला फोटोग्राफर जब सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर फरियाद लेकर आए लोगों से बात कर रहे थे, तभी महिला फोटोग्राफर को एक सब इंस्पेक्टर ने तल्ख लहजे में कैमरा लेकर वहां से जाने को कहा। इस बात पर जब विवाद बढ़ा और मीडिया कर्मियों ने उन्हें हटाए जाने का कारण पूछा तो अधिकारियों ने बताया कि सीएम योगी की तरफ से मीडिया कर्मियों को न आने देने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि इसके पहले 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार में भी मीडिया को कालिदास मार्ग पर जाने की इजाजत नहीं थी। मायावती के समय में किसी पत्रकार को जब तक बुलाया न जाए वो वहाँ की खबर नहीं कर सकता था, न ही वहाँ की फोटो ले सकता था। और अब भाजपा की सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वही रुख अपनाया है। इंडियन न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।